सोनू पूरा व्यू भी लीजिए, आप इसको पकड़ लीजिए, आप इसमें बोलिएगा। ये है हमारे सोनू शिक्षक जी। भाई आज मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं शिक्षक हूँ, मेरे इस गांव में भी बहुत सारे छात्र हैं। इवन इनके इनकी चाची मेरी छात्रा है, वो आईटीआई की हुई है और मेरा ट्रेड का क्लास करती है। इनका चचेरा भाई भी मेरा छात्र है, इनके चाचा जी भी संयोग से हमसे पढ़ते हैं और इनके चाचा जी के कॉलेज के सभी छात्र हमसे पढ़ते हैं। लेकिन आज मैं इनसे पढ़ा हूँ, बहुत अच्छा लगा हमको। मतलब एक ज्ञान, मतलब समझो कि एक अलग ही तेज है इस बच्चे में। तो मैं जब इनसे मिला तो इनका एक ही कहना था, जो कि मुख्यमंत्री जी को इन्होंने कहा था कि हमको पढ़ाई करना है, यही बात था सुनो कि हमको हर हाल में पढ़ाई करना है। तो आज मनीष जी सच तक न्यूज वाले मिले और कहे कि चलिए चलते हैं सर इनसे मिलने, आप शिक्षक हैं, चलिए आपको एक शिक्षक से मिलवाते हैं। तो आ गए हम लोग यहाँ। तो इनको हम इनकी इच्छा है कि हम सरकारी स्कूल में ना पढ़ें, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ें। और एक बात इनसे जान के हमको बड़ा अच्छा लगा, ये बोले कि हम बोले कितना क्लास तक, कितना क्लास में सोनू पढ़ते हो, तो कहा पांचवीं क्लास में। तो हम बोले कितना क्लास तक को पढ़ा लोगे, तो ये बोले कि सर अगर प्राइवेट स्कूल का है तो पांचवीं तक का, सरकारी है तो आठवां तक चले। मतलब आप समझिए कि सरकारी स्कूल का तीन क्लास आगे तक का ही पढ़ा सकते हैं। क्यों पढ़ा सकते हैं आप सरकारी स्कूल का तीन क्लास आगे तक का? क्योंकि सरकारी स्कूल में उतना पढ़ाई ना, जैसे आठवें का है बच्चा, सातवें का है बच्चा, उसको बुलाइए करियांगा वाला। करियांगा वाला इधर आओ, तुम कौन क्लास में पढ़ता है? इसको से पूछिए, अभी स्कूल के बारे में पूछिए। स्कूल में इसमें पढ़ाई जरूर होना चाहिए, सतमा के जितने होना चाहिए थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। तो हम लोग, हमको तो उतना बताया नहीं गया है, लेकिन हम पूछते हैं भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? स्कूल में बताया गया होगा सतमा का बच्चा का, तो भारत को ही नहीं पता है कि उपराष्ट्रपति कौन है, अभी वर्तमान का उपराष्ट्रपति कौन है? तो सर आप देखिए, मामला तो गड़बड़ ही है, लेकिन अब आपको पढ़ने जाना है, हमारे साथ आप चलिएगा। हाँ चलेंगे। आपके चाचा जी हमारे छात्र हैं, आपकी चाची भी हमसे पढ़ती है, तो अगर हम मतलब लेके जाना चाहें आपको, आपकी इच्छा है ना पढ़ने की? यस। तो आपको क्या बनना है? IAS। तो हम IAS, IAS नहीं, IAS गलत हो जाता है, क्योंकि IAS केवल होता है और IAS का फुल फॉर्म होता है, IAS का जो लिखाता है सब बोलते हैं गलत, आई देकर के उसके बाद ए दिया जाता है, यानी IAS। वेरी गुड। तो आपको IAS बनना है? हाँ। तो चलेंगे हम लोग पटना। एक दो सवाल बच्चों से कीजिए, फिर से पूछिए भारत के किसी और कोई बच्चा हो बिहार के, यहाँ पर कोई जो है किसी से पूछिए, कोई बच्चा है जो आपका छात्र हो तो इसको बुलाइए। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, इनको बताएं? देखिए इनको पता है, कौन बता रहा है? नहीं बता रहा है, नहीं बताना है। बिहार के अभी मुख्यमंत्री कौन है? दूसरे बच्चा से पूछिए। एक मिनट, एक मिनट, बताएगी, डर रही होगी, बताओ ना बिहार के मुख्यमंत्री कौन? कलुआ का नहीं, कलुआ बताओ, कहीं नहीं, कुछ नहीं, अब तो हम जाने वाले, अब थोड़ा जाने मारे, एकदम आराम से, डरना नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, इतना भीड़ को देख के स्कूल में जाती है, एसडी में, प्राइवेट में, अभी वन क्लास में है, इस वन यूकेजी से बताया जाएगा। अच्छा, एकदम यूकेजी से बताया, यूकेजी में ये सब कम्प्लीट कर रहे हैं, हम तो उस वन पढ़े नहीं है, एक साल पढ़े थे वन क्लास। ये सब बच्चों से, ये सब बच्चों से पूछे तो किसी से पूछे, ये इनके छात्र जो होंगे उन्हीं से पूछे। अरे किसी से पूछिए, किसी से बताओ, काउंटिंग बोलो तो, वन टू टेन तक, वन से टेन तक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, और फाइव वन फिफ्टी वन बोलो तो, फाइव वन फिफ्टी वन, फाइव टू फिफ्टी टू, फाइव थ्री फिफ्टी थ्री, फाइव फोर फिफ्टी फोर, फिफ्टी सिक्स, फाइव सेवन फिफ्टी सेवन, फाइव एट फिफ्टी एट, फाइव नाइन सिक्स जीरो सिक्स, आराम आराम से बोलो, कंसेप्ट क्लियर कर। आपके पास पढ़ता कन्फर्म है, जिसमें ज्यादा दिन एब्सेंट रहता है, इसके लिए इसको थोड़ा सा गड़बड़ा, ये वो 56 और 57 में गड़बड़ा है, कौन बात करता है? कौन वाला बताओ, बाल का नाम कमल बाल, कमल बाल है ये, कौवा बाल, कौन बाल, इसमें काला का बोलिए, ये सवाल
जो सैलून में ये सब बेकार है कि ना तुम बाजी हो रहा है बोलिए तो नहीं एकदम गलत हो रहा है क्यों ऐसा दुश्मन को रोक दिया खाली सरकार दुश्मन को रोक दिया एकदम रोका जाएगा दुश्मन का फैशन है ये आगे चल के इन्हीं लोगों को गलत बना दे एकदम बना देगा। देखिए एक बार की बात है मनीष जी आइए अच्छा 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 ये बताइए एक बात बताते हैं अच्छा ये बताइए बच्चों को हटाइए हमारा बाल कैसा है पीछे आपका बाल तो सही है लेकिन पीछे थोड़ा ठीक है ठीक पर भी ध्यान दे मेरा बाल ठीक है ना कुछ लोग बोलते हैं लालू जी के बाद सबसे अच्छा बाल मेरा ही है पूरे बिहार में बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा एक चीज और आप देखिएगा मतलब कि इतना हम लोग को गुरु जी कहते थे कि जैसे हाथ में बलिया पहन लिया टोपी उल्टा लगा लिया मतलब यासिकी की ओर जाए मतलब नहीं पढ़ेगा तो गुरु जी को गुस्सा आ रहा है वो देख ले बाल गड़बड़ है ये बड़ा होगा ये उल्टा पुल्टा कर्म करेगा इसलिए बाल अगर जल्दी से काट दीजिए गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मतलब बलिया भी गलत है बड़ा बाल इसके गार्जियन सबका इधर आइए एक मिनट अब तो एक महीना से तो कट ही तब समझ लीजिए आपका ये भी बैठिए थोड़ा सा बैठिए बाबू जी का और बेटा जी का दोनों देखो आप पहले ताकि बच्चा को सही संस्कार मिले अब जिस मान हम मानते हैं ये सुधारेगा बिहार को ये सुधारेगा बाल आपका जाते हैं बड़े मुश्किल से तुम मिले हो बाबू इसलिए सबसे पहले आप दुश्मन बाल को अच्छा बहुत सारे गार्जियन गुटखा खाते हैं क्या कहना चाहते हो गुटखा खाते हैं तो वो तो अपने ही न जानेंगे गुटखा में क्या मिलता है क्या कुछ मिलता है भाई थोड़ा सा दूर बनाओ लगा गंदगी भी फैलाते हैं गुटखा खा करके क्या कैंसर होता है उससे दांत भी खराब होगा कैंसर भी होता है खैनी खाने से भी दिक्कत है खैनी खाने से दांत सड़ जाएगा वो दांत का नहीं रहता वो पेट के अंदर नहीं जाएगा दारू पीने वाला का माना कर दो दारू के लिए तो अपने बाबूजी को जेल डालवाने के लिए तैयार है गुरुजी अच्छा अभी अभी जो हम आपको लेके चलेंगे तो ये आप बच्चा लोग कैसे पढ़ेगा आप सभी लोग ये कहेंगे कि देखिए आप बहुत सारे बच्चों से टीचर छीन लिए हैं हम तो आपको लेके चले जाएंगे तो टीचर हम छीन लिए तो अब वो लोग कैसे पढ़ेगा एक सर है हाँ एक सर है चैनपुर में है हाँ हाँ जिनका नाम तू बता दे इधर आओ चलो नहीं बोलेगा कि जाओ हम जा रहे हैं तो उधर जाके पढ़ाओ कौन बोलेगा आप जाके बोले कि नहीं हम लोग जाके बोलेंगे उनसे हम लोग जाके बोलेंगे एक मास्टर देंगे एक मास्टर देंगे चाची चिंता मत कीजिए एक मास्टर देंगे और उम्मीद है कि सरकार एक मास्टर देंगे और सरकार नहीं देंगे तो उम्मीद है कि सरकार कह देंगे कि हम सक्षम है इस क्षेत्र में मास्टर देने के लिए तब मनीष का सिर्फ एक शिक्षक देंगे एकदम 100% रोड से लेकिन सरकार को ये बात कहना पड़ेगा कि हम पासवान बस्ती में एक शिक्षक नहीं दे सकते हैं सरकार को कहना पड़ेगा वैसे तत्काल हम लोग व्यवस्था कर देंगे सर है ना उनसे बात हो जाएगी और तुम्हारे चाचा के थ्रू बात कर लेंगे हम लोग और बात करके वो टीचर तत्काल अरेंज कर देंगे इसको आप लोग जो है जाने दीजिए ठीक है ठीक है सब व्यवस्था कल आएंगे पढ़ाने दो यहाँ से बंद हो